नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्लस ब्लॉग बहुधान्य डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम में स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जो सुपरवाइजर फीमेल वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम होना है, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2016 कैट 17 है, उससे रिगार्डिंग कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आप सभी के सामने हम यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमें सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको हमारी सभी अपकमिंग नोटिफिकेशन इजीली प्रोवाइड हो सकती है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो अपने हैंड से हमने ट्राई किया है, होप सो आपको पसंद आएंगे। तो देखते हैं जो क्वेश्चंस बन सकते हैं पर्टिकुलर फील्ड से रिगार्डिंग। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी यूएन संस्था का संबंध बच्चों के कल्याण से संबंधित है? तो ऑप्शंस हैं यूनेस्को, यूएन वुमेन, आईसीओ, यूनिसेफ। तो इसका जो आंसर है वो डी है, यूनिसेफ। ये बच्चों से रिलेटेड होती है, उनके पालन पोषण के लिए जो फंड की जरूरत होती है तो ये संस्था हेल्प करती है, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नारी शक्ति पुरस्कार हरियाणा में कब दिया जाता है, यानी कौन से डे को नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन है 22 जनवरी, 8 मार्च, 4 अगस्त, 24 जनवरी। तो इसका आंसर है 8 मार्च को, जब इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है तो ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कौन है? राज्य मंत्री कौन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत? तो ऑप्शंस है कविता जैन, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मेनका संजय गांधी, शंकर अग्रवाल। मैं इन चारों ऑप्शन को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो कविता जैन है वो हम सभी को पता है, हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री है, ठीक है। मेनका संजय गांधी ये केंद्र की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री है, सॉरी। और उसके बाद जो शंकर अग्रवाल जी हैं ये सेक्रेटरी हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के। तो इसके अनुसार इसका आंसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं जो राज्य मंत्री हैं इसके। नेक्स्ट देखते हैं, मिशन मॉल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया 2022 कब ऑर्गेनाइज किया गया था? तो जिसके अनुसार सभी को जो कुपोषण से कुपोषण हुए होते हैं बच्चे, उनको इन चीज़ों से मुक्त करना है और स्वस्थ बच्चों को बढ़ाना है, इससे रिलेटेड ये मुहिम होगी। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैं सीधा आंसर बताता हूँ, 19 सितंबर 2017 को इसको ऑर्गेनाइज किया गया था दिल्ली में। हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ICDS के तहत कैसी सुविधाएं दी जाती है? तो उसमें आती है टीकाकरण, गैर औपचारिक स्कूल जो प्राइमरी टाइप एजुकेशन होती है, आंगनवाड़ी वैसी शिक्षा, पूरक पोषण जिसमें आपको प्रोटीन्स वगैरह की प्रॉपर मात्रा दी जाए वो इसके अंडर आते हैं, या सभी। तो ये सभी इस स्कीम के अंडर आती है, इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का लोगो किसने तैयार किया है? तो ऑप्शन है चक्रधर आला, हेजी रघुवेंद्र, वाईसी मोदी, फ्रेड जेली। तो मैं इन ऑप्शंस को क्लियर कर देता हूँ, जो चक्रधर आला है इन्होंने इंडियन बुलेट ट्रेन का लोगो तैयार किया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो एजे रघुवेंद्र हैं जो हैदराबाद के हैं, उन्होंने ये लोगो बनाया था। इसके बाद जो फ्रेड जेली है इन्होंने 2016 में जो रियो ओलंपिक्स हुए थे उसका लोगो तैयार किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा में 22 जनवरी 2017 के बाद जन्मी दूसरी लड़की को 21,000 रुपये किस योजना के तहत दिए जाते हैं? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, बेटी को सलाम राष्ट्रीय योजना। तो वो है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, इसके तहत 21,000 रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट योजना, ये देखिए ICDS आ गया है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट योजना
पहली बार कब स्टार्ट हुई थी, तो वो हुई थी 2 अक्टूबर 1975 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारी जी देसाई हुआ करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, नारी शक्ति पुरस्कार में दी जाने वाली राशि कितनी है? तो है 21,000 ऑप्शन में, 51,000 ऑप्शन में, 1 लाख, 1.5 लाख। तो जो अभी हमने ऊपर बात की थी नारी शक्ति पुरस्कार कब मनाया जाता है, 8 मार्च को, तो उसमें जो राशि दी जाती है वो 1 लाख रुपया दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आदर्श गांव बनाने के लिए किस गांव को गोद लिया है कैबिनेट मंत्री कविता जैन जी ने? तो ऑप्शन है मोखरा, मोहाना, मीरपुर, मिर्जापुर। तो इसका आंसर मोहाना है। तो ये 10 क्वेश्चन थे आप सभी के लिए। होप सो आपको हमारे ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे जो इस एग्ज़ाम से रिलेवेंट अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए, और अगर आपको अभी इसमें कुछ कमी या कुछ गलती लगती है आप उसका भी कमेंट कर सकते हैं। हम खुशी से अपनी गलती को स्वीकार करेंगे और उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही है, कुछ और नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।